क्या आपको भारत में पीछे कुछ सालों में बदलाव देखने को मिले जो सिर्फ देखे नहीं पर महसूस भी किए जा सकते हैं। किसी भी देश को एक सशक्त राजनीतिक इच्छा शक्ति और दूर दृष्टि रखने वाले नेता की जरूरत होती है प्रगति की राह पर चलने के लिए। हमने इसे खुद अपने देश में मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। देश को जितनी 2014 में मोदी जी के नेतृत्व की जरूरत थी उतनी ही आज भी है, क्योंकि देश को सही दिशा में ले जाने का काम केवल मोदी जी ही कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। इंफ्रास्ट्रक्चर को दे रही है बढ़ावा। मोदी सरकार सिर्फ सड़कें नहीं विकास का एक्सप्रेसवे बना रही है। अपना देश सड़कों के मामलों में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। देश में आज मल्टीलेयर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राम सड़क योजना के तहत 7.8 लाख किलोमीटर से अधिक की लंबाई को कवर करने का बेहतरीन काम किसी से छिपा नहीं है। 24 घंटे में नई सड़क बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने से लेकर दुनिया की सबसे लंबी टनल बनाना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 8 महीने पहले ही तैयार कर देना, एक या दो नहीं बल्कि 26 एक्सप्रेसवे देश को समर्पित, 29 एक्सप्रेसवे पर दिन रात कार्य प्रगति पर है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जल्द बनेगी ई हाईवे। किसी गांव को कोई सड़क बनानी हो या सबसे ऊंचाई पर एयरपोर्ट बनाना हो या देश का सबसे लंबा रेल पुल बनाना हो, सेना और आम जनता दोनों के काम आसान बनाने के लिए ऐसी योजनाओं को मोदी सरकार अंजाम देती आई है। डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भी भारत आगे। वित्त वर्ष 2014-15 में भारत ने 1941 करोड़ के हथियार का निर्यात किया था, जो 2021-22 में अब तक 11,607 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, और ये तब कई गुना बढ़ जाएगा जब यूपी और तमिलनाडु में रक्षा गलियारे बनकर तैयार हो जाएंगे। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम सब करने में सक्षम है। पहले हम केवल हथियारों का आयात कर रहे थे जिसमें हमें विदेशी मुद्रा में नुकसान हो रहा था, अब हम हथियारों का निर्यात भी कर रहे हैं। हमने राफेल, अपाचे, S-400 मिसाइल, नौसेना के युद्धपोत उदयगिरी जैसे कई आधुनिकीकरण पर अपनी सेना में शामिल किया है। विदेशी कूटनीति में जीत। US के दबाव के बावजूद आज हमारा भारत अडिग और स्थिर खड़ा है। इसी वजह से रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत ने जिस तरह तटस्थता की नीति अपनाई है, जो कि देश के हित में भी उसकी पूरी दुनिया में सराहना हो रही है, ये मोदी जी की कूटनीति का असर ही है कि एप्पल जैसी हजार कंपनियां चीन छोड़ भारत आने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, सैमसंग इंडिया ने चीन से अपनी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हटाकर उत्तर प्रदेश के नोएडा में शिफ्ट भी कर दिया है। ये मोदी जी की कूटनीति ही है जो आज हमने पाकिस्तान को अरब देशों से दूर किया है। रूस हो या यमन, अपने नागरिकों को युद्ध की परिस्थिति से निकाला, कोरोना में दूसरे देशों का सहारा बना, कश्मीर और लद्दाख में चीन और पाकिस्तान को दरकिनार कर G20 की बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। जैसे संसद भवन में बना अशोक स्तंभ दहाड़ मार रहा है, आज हम ऐसे ही दहाड़ मार रहे हैं। अगर हमें इस बात पर कायम रहना है और आगे और भी तरक्की हासिल करनी है तो मोदी जी और उनकी भाजपा का साथ बनाए रखना होगा। देश को मोदी जी जैसा माँ भारती सा सच्चा सपूत मिला है, जो 70 साल के कीचड़ में वाकई कमल उगा रहा है। सिर्फ देश की अखंडता को बरकरार ही नहीं, उसे संपन्न बनाने का काम कर रहे हैं। जननायक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी स्वभाव का मिश्रण है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।